अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम शादी की तैयारियां शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि शादी की शॉपिंग, क्योंकि शादी की तैयारियां तो शॉपिंग से ही शुरू होती है। तो हम जो शॉपिंग है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इतने दिन से आप लोगों को भी वेट था, आप लोग भी बोल रहे थे कि शादी की शॉपिंग कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, और हम भी इस इंतज़ार में बैठे थे कि हम शादी की शॉपिंग कब करेंगे। तो चलो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो हम लोग सबसे पहले आ गए हैं लहंगा देखने के लिए, क्योंकि हमने यही सोचा था कि जब भी हम शादी की शॉपिंग शुरू करेंगे तो पहले हम दुल्हन का लहंगा ख़रीदेंगे और फिर उसके बाद बाकी की शॉपिंग करेंगे। तो अभी हम ये मुरैने में ही देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि पहले यहाँ पर ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ग्वालियर जाकर देख सकते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग सब लहंगे वगैरह है ना ग्वालियर से ही ख़रीदते हैं। तो लेकिन हम एक बार ट्राई करने आएंगे, अगर यहाँ सही मिल जाता है तो ठीक है, वरना चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना एक शोरूम पर आए हैं जहाँ पर लहंगे मिलते हैं, ब्राइडल लहंगे, साइड लहंगे, तो सभी तरह के लहंगे यहाँ पर मिलते हैं। तो बस वही देखने आए। तो यहाँ पर आंटी ने जो है ना काफ़ी सारे लहंगे दिखाए, लेकिन ये था कि एक हमारे पास कलर ऑप्शन था, मतलब कलर था, तो हमें उसी कलर में हमें लहंगा लेना है। लेकिन ज़्यादातर जो रहता है ना रेड कलर में ज़्यादातर लहंगे रहते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर कलर ऑप्शन नहीं थे। तो हमें जिस कलर में चाहिए था उस कलर में हमें दो तीन ही लहंगे दिखे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हमें ये दिखा रही, ये सही नहीं लग रहा है, इसका बॉर्डर सही नहीं लग रहा है, इसका ऊपर का हिस्सा सही नहीं लग रहा। तो ये रहता है, क्योंकि देखो आज से पहले कभी हमने ब्राइडल का लहंगा ख़रीदा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम है कि हम ब्राइडल लहंगा जो है ना ख़रीदने आए हैं। तो थोड़ी हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके का लहंगा लेना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक यही है, सूट है, गाउन है, यही शॉपिंग हम लोग करते आए हैं। तो लहंगा वगैरह हमने ज़्यादा खरीदे, मतलब ज़्यादा क्या हमने ख़रीदे ही नहीं है, ब्राइडल तो ख़रीदे ही नहीं है। तो बस अभी फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं हम कैसा ख़रीद पाते हैं अपने हिसाब से। तो बस यहाँ पर अभी हमें आंटी ने काफ़ी सारे दिखाए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उनमें लगा, किसी का बॉर्डर पसंद आ रहा था, किसी का ऊपर का हिस्सा पसंद आ रहा था, किसी में बॉर्डर सही नहीं लग रहा था, किसी में दुपट्टा सही नहीं था। तो यही चीज़ हमारे साथ हो रही थी। लेकिन बस ये है कि एक बात है कि जो शादी की शॉपिंग रहती है उसको करने में मज़ा बड़ा आता है। तो आज ही हम आए पहले दिन, तो हमने यहाँ पे ना हमारी पूरी फैमिली थी, मतलब मैं, ये भी थे साथ में, बच्चे भी थे, गुलफ्सा थी और अक्षरा आर्यन भी थे। तो हम सब लोग ही गए थे मार्केट घूमने गए थे। तो हमने सोचा चलो आज शॉपिंग करने चलते, देखने चलते लहंगा। तो अभी हम लोग आ गए थे, तो जहाँ पर हमने देखे काफ़ी सारे लहंगे, हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, किसी में कुछ, किसी में कुछ ऐसा रहा। तो एक और बगल में था दुकान, शॉप थी, जिस पे हम लोग गए देखने। तो यहाँ तो हमने एक लहंगा खोल कर दिखाया, उसके बाद भैया ने दूसरा लहंगा खोला, हमने तुरंत मना कर दिया कि नहीं भैया मत खोलो, क्योंकि इनके लहंगे तो बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं थे, दूर से देखने में लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो हम लोग यहाँ से उठकर चले गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कल चलते हैं हम ग्वालियर, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, तो हमें फटाफट से काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर ग्वालियर चलते हैं। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और आप लोगों ने देखा कि कल हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो कल हम लोगों ने सोचा था कि चलो आज यहाँ पर लहंगा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब हमें शॉपिंग जो है ना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना है दुल्हन का लहंगा रेडी, मतलब ख़रीदना है। तो शुरुआत जो है ना हम लहंगे से ही करेंगे। तो कल भी जो है ना हम लहंगा ही देखने गए थे, तो हमने यहाँ पर दो तीन शॉप थी जिन पर हमने लहंगा देखा, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। तो फिर हमारे पास ऑप्शन था कि हम ग्वालियर ही जाएंगे, लेकिन एक बार बस हम ट्राई करने गए थे, लेकिन जो सोचा था वैसा नहीं मिला। तो फिर जो है ना हम लोगों ने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज जो है हम चलेंगे ग्वालियर, तो वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो पहले जो है ना हम लहंगा खरीदेंगे, अगर लहंगा ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद बाकी की शॉपिंग है तो वो कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। तो जिस की ड्रेस भी लेनी है, बच्चों के भी हैं, तो आपको पता है काफ़ी सारी शॉपिंग है, अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम जाने वाला है शॉपिंग में ही। तो बस फाइनली कल हम लोग चले गए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हम लौट कर आ गए और प्लान कर लिया था कि आज जाना है,
तो अभी बच्चे स्कूल से आ जाए उसके बाद हम जाने की तैयारी करते हैं, तो बस इसीलिए मैं कपड़े लेने आई थी। तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो बस बच्चों के स्कूल मैंने भेज दिया था। मैंने सोचा था कि इसी टाइम तक फ्री हो पाएंगे, क्योंकि गुलाब साहब भी जो है ना काम वाम करेगी, क्योंकि वो छुट्टी लेती है, तो फिर उस दिन भी वो अपना काम निकाल लेती है घर का, और फिर ग्वालियर पास ही जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है, काम भी हो गया मेरा, बस अब मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, फिर जब तक जो है ना बच्चे भी आ जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। और रास्ता हमने हैवी कर लिया, तो खाना वाना मैंने नहीं बनाया है। तो चलिए चलते हैं ग्वालियर और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है हमारी, ठीक है। तो बस बच्चे हो चुके हैं रेडी और हम लोग आ चुके हैं नीचे, और ये खड़ी हूँ मैं। तो बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं, बाहर है बहुत धूप, सो अभी फिलहाल जा रहे हैं और देखते हैं कैसा क्या मिलता है, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो बस अभी हम लोग ग्वालियर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, देखो इनाया सो रही है, इनाया मतलब लेट ही है, सो नहीं रही है, बस ऐसे लेट रही है। और आर्यन भी रुका हुआ था घर पे, तो इसको भी आज इसके मदरसे छोड़ने जा रहे हैं। और जीसान इसलिए जा रहा है अपने कपड़े लेने के लिए। और बस यहाँ पर जो है ना अभी मतलब सभी कुछ ना कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने, तो अभी चलते हैं बस पहुँच। तो बस यहाँ पे जो है ना आप ग्वालियर की जो एंट्रेंस है वो आने वाली है, और हम ग्वालियर में एंटर हो जाएंगे। तो हम लगाते हैं मैप बाड़े का, वहाँ पे दही मंडी है, वहाँ पे ही जो है ना सारे कपड़े वगैरह मिलते हैं उधर ही साइड, मतलब पूरा इलाका उधर का शादी की शॉपिंग के लिए ही है। ग्वालियर की मशहूर मार्केट बाड़ा, तो जैसे कि दिल्ली में है ना सरोजनी मार्केट, जैसे कि यहाँ की बाड़ा मार्केट है ये। तो बस अभी सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में, साइड से घुमा के ले चलो, तब पहुंचेंगे वहां पे। तो बस अभी हम लोग पहले अपनी गाड़ी को लगा दें पार्किंग पे, फिर हम पैदल घूमेंगे। तो हमें जाना इस साइड, ये दही मंडी, ये देखो पिछली बार आए थे जब ये बन रही थी। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर लगा दी हमने पार्किंग में गाड़ी, तो ये थोड़ा साइड कर रहे हैं पास में, क्योंकि एक गाड़ी की जगह और छोड़नी है भैया बोल कर गए। और यहाँ पर जो है ना बस अभी हम लोग शॉपिंग करते हैं स्टार्ट अपनी। तो जी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट स्टार्ट होते ही यहाँ पर सबसे पहले दिख गया रेस्टोरेंट, जहाँ पर चाट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो बस यहाँ पर इनाया कहने लगी कि मुझे बर्गर खाना है, तो बस यहाँ पर क्योंकि वो स्कूल से जैसे ही आए थे तो वैसे ही मैं लेकर आई, खाना वाना खाकर नहीं आए थे बच्चे, लेकिन मैं पुलाव रख कर लाई थी कि रास्ते में खा लेंगे, लेकिन रास्ते में मैंने एक दो चम्मच खाया तो यहाँ आते ही मांगने लगे। तो फिर आलिया का भी मन था कि मैं खाऊंगी, लेकिन उसका मन ये भी था कि मैं मम्मी के साथ और खालाओं के साथ मैं शॉपिंग करने में जाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को तो भूख प्यास सब कुछ दूर भाग गई थी, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम ऐसा लहंगा लेंगे, ये लेंगे और जल्दी से हम ले लें। तो इसलिए हम लोग तो नहीं बैठे, लेकिन जीसान है, आर्यन है, ये हैं और इनाया, ये लोग बैठे हैं, तो ये लोग कुछ ऑर्डर करके खा पी के आएंगे। तो जब तक हम लोग ये देख लेते हैं, वैसे भी जेंट्स लोगों का ये रहता है कि वो लेडीज़ जब भी शॉपिंग करती हैं तो बोर होते हैं, तो इसलिए भी ये कहने लगे थे कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम कर लो जो भी तुम्हें शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम परेशान ना हो। जीसान भी कहने लगा मेरा कोई अभी काम है नहीं, जब मेरी ड्रेस का होगा तब मैं जाऊँगा। तो इसलिए ये लोग बैठे हैं, बस हम तीनों ही बहनें और आलिया जो है ना यहाँ पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये शॉप मिलती है, जैसे ही रेस्टोरेंट है उसके जस्ट बगल में ही ये शोरूम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो भैया ने दिखाए तो लेंगे, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आए, तो फिर हम लोग आगे चल दिए, क्योंकि इस वाली मार्केट में ना हर दुकान पर जो है ना लहंगे ही लहंगे, ढेर सारे मतलब लहंगे, गाउन और जो भी साड़ी है, सूट है, मटेरियल है, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन बस ये है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि किस दुकान पर जाना सही रहेगा, किस पे नहीं रहेगा, लेकिन बस ये है कि देख रहे हैं तो हम लोग चले जा रहे हैं क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जो इंसान जहाँ पर रहता है ना तो उसको नॉलेज होती है, और फिर हम लोग ने जो है ना यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की नहीं है, तो इतनी नॉलेज जो है ना नहीं है, लेकिन ठीक है, चीज़ लेंगे तो अच्छी ही लेंगे, इतनी तो पहचान है कि हमें कहाँ चीज़ कौन सी लेनी चाहिए। तो बस फाइनली हम लोग इस वाले शोरूम पर आ गए, तो यहाँ पर ऊपर पूरे लहंगे ही लहंगे हैं, और पहले से भी एक ब्राइडल थी जो मतलब
होने वाली ब्राइडल वो अपने लिए लहंगा पसंद कर रही थी, तो काफ़ी सारे लहंगे रखे हुए थे। तो यहाँ पर देखकर लग रहा था कि यहाँ मिल सकता है लहंगा अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। और हालिया देखो देख रही है क्योंकि मैं बोल रही थी ना कैन कैन अच्छी लगी होनी चाहिए जिससे घेर जो है ना अच्छा दिखता है, तो इसलिए वो भी देख रही है। तो यहाँ पे भैया जो है ना पूछ रहे हैं कैसा चाहिए, कौन सा रंग चाहिए, तो हम लोग बता रहे थे कि हमें ये रंग चाहिए और हमें कुछ भी मतलब होता है ना कि इन पे कुछ ना कुछ बना रहता है वो हमें नहीं चाहिए बना हुआ, हमें सिर्फ फूल पत्ती ये होना चाहिए। तो बस वही भैया को बताया तो भैया दिखा रहे हैं। तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखा तो जो ऑप्शन है ना वो हमें रेड कलर में ज़्यादा मिलेंगे, और कलर है लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन रेड कलर में है, लेकिन रेड कलर हमें चाहिए नहीं था। तो फिर यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे देखे, लेकिन यहाँ पर हमें एक लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो था पिंक कलर में, अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पिंक कलर भी हम लोग नहीं खरीद सकते थे क्योंकि हमने ऑलरेडी पिंक जो है ना इंगेजमेंट में सगाई में पहना रखा है, तो हमें वो कलर भी नहीं चाहिए थे। तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि अच्छी चीज़ मिल जाए और अच्छा भी लगे और जो हमने कलर वगैरह सोचा है उसमें मिल जाए। तो भाई यहाँ पर भैया जो है ना मैं दिखाए जा रहे हैं लहंगे, और आप लोगों को कौन कौन से लहंगे अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी तक हमने जितने लहंगे देखे उसमें से इस शॉप पर लहंगे अच्छे लग रहे हैं या इससे पहले वाले पे, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है ना भैया ने काफ़ी सारे लहंगे बताए, तो उसमें से फिर हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हमें ये लहंगा चाहिए। वो हमें एक बार देखने में ही जो है ना पसंद आ गया, और वो लहंगा आपको देखने को मिलेगा शादी में ही, क्योंकि देखो ब्राइडल की ड्रेस है, अगर हम वो शादी में ही दिखाएं तो अच्छा रहेगा, अगर पहले से दिखा देंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि देखने की जो इच्छा है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ना हमने इन्हीं में से एक लहंगा लिया है, तो इसी पे हमें पसंद आ गया था तो हमने यहीं से ले लिया था, और काफ़ी अच्छा हमें मिल गया। और बस यहाँ पर अभी चल रही है, अभी शॉपिंग देख रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी बात जो है ना यहीं पर पूरी कर दी है ना। तो यहाँ पर लहंगे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं मतलब, और ब्राइडल भी पहने हुए हैं उनका भी, और इतने हैवी हैं ना कि जो मतलब पहनने वाली है वो भी बोल रही थी कि इतनी तो मैं भी नहीं हूँ मतलब जितना वजन लहंगों में है। तो यहाँ पर जो है ना गुलाबसा पे थोड़ा सा ट्राई कर करके देख रहे थे कि कैसा लगेगा, क्योंकि देखो ट्राई करने से ही पता चलता है कि लहंगा मतलब कैसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे जो है ना गुलाबसा ने कई सारे लहंगे जो है ना ट्राई किए थे, तो वीडियो में मैं आपको लिमिटेड ही दिखाती हूँ क्योंकि चीज़ें देखो बहुत टाइम लेती हैं, लंबी चलती हैं, और काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं उसके बाद समझ में आता है, लेकिन वीडियो में मैं आपको लिमिटेड ही बता पाती। तो जिस लहंगे की मैं बात कर रही थी वो था ये, जो है ना हमको पसंद आया था बहुत ज़्यादा, मतलब तीनों बहनों को और आलिया को भी, लेकिन बस ये था कि इसमें कलर नहीं था, इसमें सिर्फ पिंक कलर ही था, पिंक कलर का दुपट्टा था, अगर दुपट्टा भी चेंज होता ग्रीन कलर का हो जाता, हम बोल रहे कि ग्रीन कलर कर दो लेकिन नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें ये लहंगा छोड़ना पड़ा, वरना हमें ये लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस लहंगा फाइनल हो गया, अभी वो तैयार हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग जब तक लहंगा लेने जाएंगे उससे पहले हम लोग आ गए हैं जी सान की ये ड्रेस लेने के लिए। तो पहले जो है ना हम यहीं पर आ गए थे, दही मंडी में ही थी काफ़ी सारी दुकानें जहाँ पर दूल्हों के भी कपड़े मिलते हैं, तो बस जी सान को पहले जो होती है ना जोधपुरी ड्रेस जो कि उसने सगाई में भी पहनी थी तो वो पहनी, लेकिन उसको यही नहीं था कि मुझे क्या पहनना चाहिए, तो अभी वो बिल्कुल भी मतलब ये सोच में नहीं था मैं जे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो अभी उसको ट्राई कर करके देख रहे हैं कि जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। तो बस वहाँ से तो जो है ना जिसान को ड्रेस पसंद नहीं आई फिर, लेकिन हमारा जो लहंगा था वो रेडी हो गया था तो वो हमने ले लिया, और आर्यन की ड्रेस भी हमको पसंद आ गई थी तो वो हमने ले ली है, ठीक है। बच्चों के कपड़े लेने गए थे तो वो भी हमें कुछ खास मिले नहीं, और फिर क्या रात भी हो रही थी क्योंकि हमें लहंगे में बहुत टाइम लग गया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं उस शोरूम पर जहाँ से हम लोग अक्सर कपड़े लेते रहते हैं, तो हमने कहा चलो यहीं पर आते हैं क्योंकि जीसान भी यहाँ से ही लेकर गया था अपनी सगाई की ड्रेस, तो उसको भी ये था कि मुझे शायद वहीं पर पसंद आएंगे, तो फिर हम लोग जो है ना जीसान को लेकर यहीं पर आ गए। तो पहले हम लोगों ने देखे यहाँ पर बच्चों के कपड़े,
नहीं, बच्चों के कपड़े इस शोरूम के बगल में था, वहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, वहाँ से बच्चों के कपड़े लिए, इसके जस्ट बगल में ही शोरूम है। और फिर इस वाले शोरूम से हमने जीसान के कपड़े लिए और इनके कपड़े ऑर्डर किए। तो इस तरीके से हमारी शॉपिंग इतनी ही हो पाई कि जीसान की, आर्यन की शॉपिंग हो गई और नाजिया की हो गई और इनके और बच्चों की हो गई है। ये देखो, तो ये इनके बारात की जो ड्रेस हैं वो ले ली हैं। तो अभी तो काफ़ी सारी ड्रेसें हैं क्योंकि देखो फंक्शन इतने सारे होते हैं, हल्दी है, मेहंदी है, तो इस हिसाब से भी हमें ड्रेसें लेनी हैं। तो अभी फाइनल जितनी हो गई उतनी हमने ले ली हैं और रात हो गई है काफ़ी। तो अभी आर्यन को भी हमें छोड़ने जाना है, तो अब हम आर्यन को छोड़ने जाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे भी, बिरयानी खाने जा रहे हैं हम। तो चलिए अभी चलते हैं, फाइनली जो शॉपिंग थी जैसे सोचा था वैसा हो गया है और अब मैं चलते हैं आर्यन को छोड़ने के लिए। तो अभी रात का 1 बजने वाला है और हम लोग ना अब लौट रहे हैं घर के लिए। तो रास्ते में जो है ना, हम लोग CNG भराने के लिए रुके हैं, अभी ग्वालियर में ही हैं, भोड़ापुर पे। तो हमें जो है ना थोड़ा सा 1 घंटा लग गया आर्यन के मदरसे में, और वहाँ पे बच्चे नहीं आए थे, तो फिर जो है ना हम आर्यन को वापस ही लौटाल कर ले जा रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं आए तो फिर वो अकेला क्या करेगा। तो इसलिए फिर बात की, मौलाना साहब से बात की, भेज नहीं रहे थे, वो कह रहे थे एक एक करके ही तो बच्चे आएंगे, लेकिन आर्यन का मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, उसने ऐसा उदास सा हो गया था। तो फिर हमारा भी उसको देख कर मन नहीं करेगा हम इसको छोड़ कर जाए, फिर कुछ दिन बाद जो है ना प्रोग्राम भी है, तो फिर हम उसे तो रहने दो। तो बस अभी फिलहाल जो है ना उसको लेकर आ गए, चलो तो CNG कर रही है, अब बैठते हैं। पैरों के आज अच्छे से बैंड बजी है, टेढ़े हो चुके हैं पैर हमारे। मैंने तो फेंक दी बोतल, कौन सी वो फेंक दी, स्टील की होगी ले बोतल। इनाया और गुलाब साहब पीछे सो रही है, जीसान भी सो गया था, आलिया सो गए थे, मैं हल्की हल्की झपकी ले रही थी और ये गाड़ी चला रहे थे और आर्यन जो है ना बातें कर रहा था। तो अभी सोना नहीं है, गाड़ी चलवानी है अच्छे से, मुंह धो लेते, ठंडा पानी होगा, मुंह धो लेते। क्या हो गया, कर रहे हो?